हाँ, once again welcome to Time Out with Ahsan Khan। कैसे हैं आप लोग? I hope आप जहां जहां भी हैं हमेशा की तरह बिल्कुल खैरियत से हैं। जनाब, क्या आप जानते हैं कि बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है? जनाब टंग, जुबान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है आपकी विल, और विल पावर अगर हो तो हर चीज कंट्रोल में रहती है और आप स्ट्रांग मसल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनाब, ये तो था आज का हमारा फैक्ट। आज आपको मिलवा रहा हूं स्पेशल लोगों से। उनमें से एक गेस्ट तो पहले भी हमारे शो में आ चुके, लेकिन आज आने की वजह कुछ मुख्तलिफ है। वो ये है कि आप जानते हैं कि टेलीविजन के अलावा और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है काम, तो एक सीरीज आ रही है कातिल हसीनाओं के नाम, जो कि है कमाल आ चुकी है और वो एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे है। उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मिलवाऊंगा दो हसीनाओं से। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान। Back to Time Out with Ahsan Khan। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि अब आप सब लोग जानते हैं कि बहुत से एवेन्यूज आ गए हैं काम देखने के, काम करने के। टेलीविजन तो है ही हमारे पास, लेकिन उसके साथ साथ वी हैव अ लॉट ऑफ वेब चैनल्स नाउ, मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ मुल्कों के काम आप देख सकते हैं एक साथ। चूंकि बहुत से वेब चैनल्स हैं और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे नए लोग भी नज़र आते हैं, पुराने लोग भी नज़र आते हैं, नया काम भी नज़र आता है। और कुछ डायरेक्टर्स जो आपने कभी उनका काम टेलीविजन पे नहीं देखा, कुछ एक्टर्स जिनका काम टेलीविजन पे उतना नोटिस नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत विजिबली नोटिस होता है। ऐसा ही एक काम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो ज़बरदस्त किस्म का काम है। सीरीज़ जो है वो आ चुकी है और चूंकि उसमें मैं खुद भी हूं, तो मैं तो अपना काम देख चुका हूं। आप लोग भी देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपको ओवरऑल वो सीरीज़ कैसी लगी। बहुत उसमें ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और उसी से रिलेटेड दो लोग आज हमने बुलाए हैं दोनों बहुत प्यारे, सुपर टैलेंटेड, हमारे बहुत फेवरेट। पहले बुलाते हैं सरवत गिलानी को। आइए सरवत। Have a seat, सरवत। क्या हाल है? You बिल्कुल ठीक। कैसे हैं सरवत? I think दूसरी या पहली वो लड़की है, सेलिब्रिटी है जो इस शो में दो बार आ चुकी है। That's true। दूसरी बार श्वेब मलिक twice and you। स्पेशल लोग हैं। क्या बात है, ये तो बड़ी स्पेशल। अच्छा, क्योंकि दोस्ती तो हमारी है सरवत के साथ, तो हमने एपिसोड किया। सरवत का मुझे कल ही फोन आया कि अहसन तूने नहीं देखी? मैंने कहा यार वो आई हैवंट सीन इट, आई डिडंट गेट टाइम, आई वाज वर्किंग। एंड देन शी वाज ऑन एंड ऑन प्रेजिंग। मैंने कहा पता नहीं यार, इतनी प्रेजिंग, मतलब काम है, ठीक है, हम सब करते हैं, हर रोज करते हैं काम, लेकिन लोगों, जब वो मैंने देखी तो मैंने कहा यार सरवत तो वाकई बिल्कुल सही कह रही थी यार, कमाल का काम हो गया। क्या अच्छा था सरवत उसमें, पहले ये बताओ मुझे। मुझे अहसन आपकी बहुत नेचुरल एक्टिंग लगी मेरी, और बहुत एफर्टलेस लगी। आई फील हम लोग थोड़ा एफर्ट करके एक्टिंग करते हैं और हमें उसकी आदत है, बट वेब एक ऐसा जॉनरा है और ऐसा मीडियम है जहां आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता ड्रामा करने के लिए। And that you picked up really brilliantly, and I was really happy to see. चलो, I'm glad you liked it. सरवत ने पास किया, तो अब मैं पास हुआ। सरवत ने कहा, अच्छा actually सरवत होता ये कि हम लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं काम करते हुए, और we've come together in the field, आगे पीछे और मुलाकात भी होती है, तो एक दूसरे से मुतासर होना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी if you've done something good, we'll just say कि हाँ अच्छा किया है, और obviously सब और भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक अलग एंगल से नोटिस करते ना, फिर आपको एहसास होता है कि यार कितना अच्छा काम है। मैं यही तो कह रही हूँ, तेरे से मैं क्यों नहीं दिखाई? तेरे से तुमने नोटिस नहीं किया ना। बात के अलावा कुछ नजर आए तो फिर नोटिस करो ना यार। ये भी सही है, ये बात है। तो उसमें मीनू का काम आई मस्ट से वाज ब्रिलियंट, एंड मो आजमी का काम वाज अमेजिंग। मैं तो वो डायरेक्टर, मैं ये कभी कभी बात करता हूँ, वैसे हमारी दूसरी गेस्ट जो है मुझे उसको बहुत बेचैनी से बुलाना है, बट वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई ऑलवेज फील दैट देयर इज so there's so much of talent in our field, and what happens when they do less work, तो मुझे बहुत बड़ी problem होती है. मैं बहुत से actors, directors को मैं सबके नाम नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनको बार-बार अक्सर पूछ रहा होता है या मैसेज करता कि why aren't you guys working? यानी अगर तुम लोग काम नहीं करोगे, एक साल, डेढ़ साल कहीं और करते रहोगे, तो हम लोग क्या करेंगे? We'll lose out on good people, and then substandard people will take over. So that's very important. मीनू, ज़्यादा-ज़्यादा काम करना यार, ज़्यादा-ज़्यादा और ज़्यादा-ज़्यादा एक्टर्स को और काम देके सिखाओ भी साथ. अच्छा एक और उसमें वैसे तो उसमें जबरदस्त कास्ट है. नाम क्या है हमारी सीरीज का? पहले नाम बता दो. कातिल हसीनाओं के नाम. कातिल हसीनाओं के नाम में बहुत सी कातिल हसीना हैं, जिनमें एक सरवत है, फिर एक समिया मुमताज है, एक सरम सईद है और ईमान सुलेमान है, फायजा गिलानी है, और एक हमारी यहाँ पे जबरदस्त आर्टिस्ट है. मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे जैसे सरवत ने बोला कि एक तरह की हम देखते रहते हैं चीज़ें, लेकिन स्पेशल अलग से कुछ लोग कर रहे हो ना, तो वो बहुत प्रोमिनेंट होते ज़रूर हैं, बट शायद जब आप उनको रन ऑफ द मिल कैरेक्टर्स में देखते हैं तो वो उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं. तो ये उनमें से सुपर टैलेंटेड मेहर बानो, प्लीज वेलकम. मेहर बानो की आले. मैं ठीक ठाक, आप सुनाए. पंजाबी बोली है तुमने उसमें कहीं पे, बहुत है ना पंजाबी. क्या एक डायलॉग है जो बड़ा प्रोमो में चलता है पंजाबी को बोला है. हाँ इन्हीं को बोला है. I've actually forgotten. शिवा, she's in the other character, you know. कि जब ऐसे करेंगे तो ऐसा ही होगा. होगा. वो क्या है? अच्छा इसका वो एक शॉट है जहाँ ये गोश्त काट रही है ना करके. ओए ओए ओए. लग रहा है कि पता है. मैं आपको बताऊं, मैंने इनके साथ चुड़ैल्स किया. हाँ. चुड़ैल्स में बानो का बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था. बहुत अच्छा कैरेक्टर था. Loved it. और बहुत मजे का था. लेकिन मैं बानो का कातिल हसीना में काम देख के आई blown away. Ah, that good. Matlab, the darkness inside her, it shows in that character, in her eyes. Bano, असल में ऐसी हो, वो dark जो आँखें यूँ बनाई हुई करके वो ऐसी हो तुम. असली में तो बिल्कुल ऐसी नहीं. असली में मैं ऐसी नहीं हूँ, but I like the fact that you know characters like these bring out the weird side in us, which I think is there. Everyone has that. Everyone has it, and we're dying to sort of take it out, but you know we never get to. So you know it's तरीके से we get into the skin of some other characters, some personalities that we might actually like. So I actually quite liked the character of Anarkali, but अभी मैं आपको कोई dialogue नहीं बोल के बता सकती because I'm actually working with Ahsan Khan on something else where I'm playing a completely different character. She's in a different zone. Oh wow. अच्छा एक चीज़ है, एक मुझे गिला है यार, ये क्या मतलब इतने लड़के भी हैं इसमें, तो सिर्फ कातिल हसीना है बना दिया है. हाँ. और कातिल हैंडसम भी बना देते हैं यार. कैसा फील हो रहा है? बहुत बड़ा. मतलब अहसन खान, शरिया मुनव्वर, उस्मान खालिद भट्ट और नाम लो ना जो इनके साथ थे. हाँ मतलब we have so many. सलीम मेराज अपना such a great actor. We have so many men. Why not कातिल handsomes? ये अच्छा आइडिया मैंने दे दिया. ये नेक्स्ट सीजन होना चाहिए. अब बताएंगे हम जब गोश्त काटेंगे ऐसे काटेंगे. नहीं ऐसा नहीं, हम आपको ये मीडियम नहीं टेक ओवर करने देंगे. और the best part is Ahsan, because हमारा parallel cinema, television, हमने हमेशा औरतों की कहानियाँ बताई हैं, but what's different about these is कि ये बड़ी realistic है और बड़ी realistic based है, and इसकी अगर fantasy भी, अगर हम एक fantasy world भी create करें, yeah, why not films, TV, they're all fantasy होनी चाहिए. बहुत different ये है कि औरतों के perspective से. And then this thing is larger than life. Yeah. It's different, as you said, fantasy create करके, plus very very unusual genre जो I would say, जो कि बहुत इसलिए अच्छा लगता है कि आपको हर चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप predictable कर रहे हैं. आपका next series क्या है वो भी predictable है, आपकी acting क्या है. यहाँ पे mostly, यहाँ पे पूरी दुनिया में एक kind of television पसंद किया जाता है क्योंकि masses उसको follow करते हैं, but then these platforms are for producing something new. अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी क्या कर रही हो, अभी आजकल क्या एक्टिंग हो रही है? यार मैं बताऊंगा, ये तो मुझे लगता है बोलने के मूड में नहीं. नहीं मैं बताती हूँ. आई एम डूइंग समथिंग वेरी एक्साइटिंग वंस अगेन. ऐसे ने मेंशन किया था कि मैं कम नज़र आती हूँ टेलीविज़न पे, स्क्रीन्स पे. That's because I really have to sort of handpick my characters. और आपको तो पता ही है कि मुझे भी कोई नॉर्मल कैरेक्टर तो कभी मिलता नहीं है. मतलब एक चुलबुली सी हीरोइन वाला तुम नहीं मिलता उस तरह का, वो जो टिपिकल. Because like I'm always. वैसे मिल सकता है वो, I think खुद you don't you know maneuver according to that. मिल सकता है. Yeah, no, I mean she would look just perfectly fine crying और एक ऐसी हीरोइन जो भी किया है. लेकिन she herself don't want it. It's not my cup of tea. It's just that you know they're very. I feel like those roles are very limited. I mean, there might be some realism to them, but I'm more interested in having powerful characters, genuinely powerful characters, breakout characters, empowered women. I love playing those, and you know, especially with now that we've done Katil Haseenaon, wronged women who are out to exact revenge. I think that's just so much more exciting, and there's just so much room for me to act, because at the end of the day, I am an actor in the true sense of the word. Yes, of course. But I would aspire to be, at least. Why not? Yes. Lovely, lovely. Okay, so this late Latif. So this ये जो नया play हम कर रहे हैं अली फैजान का, और it's like something new. You think television के लिए कुछ new? It's I feel like it's groundbreaking. Allah nazre bad se bachaye. I feel like हमने बहुत ज़्यादा again बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर भी, बहुत ज़्यादा strict किस्म की conditions के अंदर, extreme conditions के अंदर हम लोगों ने इसको भी शुरू किया है. सर्वत हम लोग सवात में थे और सवात में बहुत सर्दी हो गई, और उस सर्दी में फिर you know how we don't have the five-star kind of facility over there in some part of Sarwat में, जैसे मदियन एक जगह बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन हमारा वो जिस भी होटल में थे, इनफैक्ट आई रियली लाइक दैट प्लेस. मदियन होटल इज वंडरफुल. वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, बट अगेन एज एन एक्टर वेकिंग अप एट 6 in the morning, लीविंग एट 6:30 in the morning, पहाड़ पे जाके सर्दी में, सर्दी यानी फ्रीजिंग, जो तो फ्रीजिंग कातिल में फ्रीज हुए, कातिल में जो मैंने सर्वत ने जो मुझे लगता है बर्फ के अंदर जाके मैंने सीन किया मीनू. और जो वो गरम वो कोयले वाला बंदा होता था, बस वो चाहिए होता था, और कोई नहीं चाहिए. हर वक्त आवाज़ उसकी आ रही होती थी, कोयले लाओ, हीटर लगाओ. बट वो बहुत अच्छा है सर्दी का माहौल. You know, the fog. It looks wonderful. Looks so. Then again we did that in Sarwat, and then obviously like staying there for around 20-25 days. Wow. And then उसमें जो सबसे interesting part मुझे ये लगता है कि उसमें हम सब लोगों की language, चूँकि हमने एक पठान culture दिखाया. You've also done a character of a पठान film में बड़ा, तो वही उसी तरह का language सबने. रेहान शेख हैं, फिर हिबा हैं, ये हैं, मैं हूँ, शहजाद शेख है, गिब्रान है, बहुत से लोग हैं. तो आई थिंक उसमें बड़ा एक मज़े का रहा. हाँ, एक्चुअली वाज, आई फील लाइक दैट वाज मोर डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज आई ऑलवेज लिव्ड इन लाहौर, तो मैं पंजाबी के साथ बहुत ज़्यादा वेल एक्वेंटेड हूँ, एंड आई कैन स्पीक द लैंग्वेज. बट for me to get into the skin of a Pathan person, and even for you for that matter, you know, you're also from Lahore. Yeah. So it's very, very difficult to maintain that accent. Yes. And that wo culture jisse aap familiar hi nahi ho. It's just, I think that's the challenge, and that's what I love about working. Yeah, and she really enjoyed it. अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, ये तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे उस प्ले की भी बात साथ साथ हो जाए, लेकिन मुझे ये बताओ कि सर्वत क्या लगता है कि जो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें, चूँकि अभी व्यूअरशिप थोड़ा उतना नहीं है जितना मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे मिलता है, डू यू थिंक द व्यूअरशिप इज़ ग्रोइंग? एब्सोल्युटली एहसन. आई थिंक लोग थक गए हैं और लोगों को नई चीज़ें देखनी है, चाहे वो हमारे टेलीविज़न के लोग हों. जब हमने चुड़ैल्स किया था तो वी थॉट कि बहुत लोग बुरा कहेंगे और लोगों को समझ नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, बट द काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी गॉट, हमें रियलाइज हुआ कि लोग रेडी हैं. या इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड, पीपल लव्ड इट. या सो 80% वाज लव एंड 20% वाज क्रिटिसिज्म. दैट्स इन एवरी प्रोजेक्ट यार. एग्जैक्टली. तो नहीं, एब्सोल्युटली लोग रेडी हैं और लोग देखना चाहते हैं, और हमारे ही लोग हैं ये जो बना रहे हैं डिफरेंट स्टोरीज. सो दैट गोज टू शो कि हमारे ही अंदर से वो पोटेंशियल निकल रहा है और वो क्रिएटिविटी निकल रही है. सो वी हैव इट इन अस, इट्स जस्ट कि हमें टैप करना है उस बिल्कुल सही. और मैं इनफैक्ट आई वुड आल्सो वांट टू से दैट एनी एक्टर आई हैव सीन इन द in this series, यहाँ पहली जो सीरीज में मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि किसी भी इंटरनेशनल सीरीज या आर्टिस्ट से आप कंपेयर कर लें. So they're equally good. The production, the camera work, the editing, music, direction, and the locations, the artists, their field, the clothes, everything. मुझे लगता है कि इन वेब सीरीज से हम जैसे आर्टिस्ट जिन्होंने पहले बहुत काम किया हुआ है, मेहर स्टिल बानो इज स्टिल रिलेटिवली यंगर, बट हम जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने ऐसा तुम्हारी ऐसी एक्टिंग नहीं देखी, वो क्योंकि वो डायरेक्टर्स वो एक्टिंग हमसे निकाल रहे हैं, हम लोग वही हैं, एक्टर्स वही हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिंग वही है. But the best part about Meenu and people like Asim or Mehreen Jabbar is that वो हमसे निकलवाना जानते हैं, कोई अलग चीज कराते हैं. So I feel कि directors को बहुत ज़्यादा credit देना ज़रूरी है कि they are doing a fantastic job with us, run of the mill kind of you know characters. Which is brilliant. अच्छा, one thing before we go to हम break पे जाएं, how did you start acting और क्यों acting शुरू की, जरा ये तो बताओ मुझे. मैं actually school में theatre करती थी and when I was 17 years old, Sarwat Gilani saw me in a play, and then he just gave me a call. He said, "I want to cast you in a drama," and I was like, "Okay, I don't know if my parents are going to let me." तो फिर मैंने अब्बू को बताया, उन्होंने कहा पहले नहीं, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं करने दें, and then he was like, "Okay, fine, go, but take your younger sister with you." So I took my younger sister with me because I could not be trusted. I could not be trusted with my own self. So छोटी बहन को मेरे साथ भेजा कराची, and then I did my first play. But then I stopped working to finish my studies because my dad was very strict about completing. Which is also fine. I mean, you also have to study. Yeah, of course, it's more than fine. I think. I think एक degree ले ली जाए ना तो फिर उसके बाद जो certain तक आप पढ़ लें, थोड़ा आपकी grooming भी होती है, वो बहुत ज़रूरी तमाम actors के लिए, right? ठीक है. ओके जी, एक ब्रेक छोटा सा लेंगे और गेम खेलेंगे सरवत से और मेहर से और देखते हैं गेम में कौन जीतता है. जनाब देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान. वेलकम बैक टू टाइम आउट विद अहसन खान. एक तो इस सेगमेंट को एक्सप्लेन करते हुए और फिर उसके बाद इनका डर उतारते हुए एक अलग सेशन चाहिए होता है मुझे. एवरीवन हु कम्स इज वेरी स्कैर्ड ऑफ, ऑब्वियसली होता बिल्कुल हल्का सा झटका, लेकिन वो क्योंकि ये पता ना हमको लगने वाला तो और भी खौफ आ रहा था उससे. दिल पे लगा. सरवत तो पहले दिल पे, सरवत तो पहले लगा चुकी है फहद को इतने झटके यहाँ पे बैठ के, और खुद कम खाए थे क्योंकि ऑब्वियसली फहद ने कहा घर जाके जो लगेंगे झटके मैं यहाँ पे जरा कम लगाऊं झटके इसको. बट मेहर की जो है वो आज बारी है. ठीक है, उसको पकड़ेंगे आप दोनों. मैडम उसको पकड़िए. ठीक है जी, सरवत एज मेहर बानो एंड मेहर बानो एज सरवत. ओके सरवत, पहला आपसे करते हैं सवाल एज मेहर बानो. मुझसे सब पूछ लो, मुझसे सब पूछ लो, मगर ये मत पूछना कि मैं डांस इतना अच्छा क्यों करती हूँ. हाँ, वो तो बात नहीं था. नहीं, ये असल में डांस ना करती है. Oh my God, you haven't seen her. I haven't seen her dance at all. Local type dance नहीं, बहुत English type dance करती हैं. बड़ा hip hop type dance, street dance करती हैं. Wow, we didn't know that. बहुत amazing. And how come you've learned it? As in learned? I'm self-taught. An observer. I'm an observer. बस देख के आ गया. Very natural. YouTube is my teacher. Yes. Teacher, very cool. So that's सच बोला ना, मैंने सच बोला. New talent that we've just. करंट लगता है. अभी कोई ऐसे कैरेक्टर तो नहीं किया ना कि जिसपे कोई डांसिंग नजर आई हो या कुछ कभी. नहीं, not really. तो ये पर्सनली सरवत ने देखा है बस. नहीं, मैं वीडियोस लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे. I haven't seen that. Yeah. She has like a studio and she and her partner teach people. Right. Yeah. You gotta get with it. I've been choreographing film songs and. Which one did you? I've just done my first one and it's going to come out soon. Which film? I don't know if I can reveal it, but it's okay. Ishrat Made in China. Oh, Mohibali film. जी. Yeah, why not यार? हमारे दोस्त की फिल्म है यार. और अच्छी होगी इंशाल्लाह. बहुत अच्छी. ठीक है. मेरा यानी सरवत का अभी ये रूप नहीं देखा। कौन सा रूप है इसका जो हमने नहीं देखा? वो कोई उनके साथ ज्यादती कर रहा हो तो सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त कर लेती हैं। नहीं यार। हाँ सरवत, ये से तंस किया या ऐसे? ये मतलब पता है ये क्यों कह रही है? She's being... नहीं ये सच है। जब मेरे साथ कोई ये सच नहीं है। नहीं नहीं ये सच है। अच्छा? ये पूरा सच है। Okay. कि वैसे I'm a very strong person, लेकिन जब दिल टूटता है ना तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। बिल्कुल लाइक अब दुख अफसोस होता है कि यार हाँ ये वाला तो मैं फिर वो स्ट्रॉन्ग चुड़ैल कातिल नहीं रहती। ये आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज वेरी वेरी सेंसिटिव होता है। ही इज वेरी काइंड हार्टेड आल्सो ना तो हाँ ठीक है। मुझे ये सवाल बड़ा एक वैसे जनरली पूछना कि घर में एज एन एक्टर व्हेन यू बिकम सो सेंसिटिव एंड टेल्स इन डिफरेंट वे सो नहीं सबको लगता है हम ड्रामे कर रहे हैं। हाँ, मेरे मियाँ को लगता है कि मैं रो रही हूँ तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ यार मैं असल में तकलीफ में हूँ। यार ये तो लड़कियाँ मर्दों का भी हाल है कि मर्द भी थोड़ा डिफरेंटली सोचता है, सेंसिटिव होते हैं एक्टर्स। आई हैव नोटिस्ड हमारे साथ भी ऐसे होता है घर में। एंड आम लोगों को ये बात समझ नहीं आती। उनको ये लगता है कि भाई एक्टिंग वही छोड़ के आओ यार क्यों कर रहे एलिगेटर। यस ओके जी। जब सोशल मीडिया पर मेरे हवाले से कोई खबर वायरल होती है तो मेरा पहला जुमला ये होता है As Bano, I need to say, मेरा पहला जुमला जो होता है वो मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं अच्छा इतना बुरा होता है? सच है ना? हाँ ये मैं जानती हूँ क्योंकि अक्सर वायरल होने वाली चीजें ना उल्टी सीधी होती है ना। हाँ। अच्छी चीज तो वायरल इतनी होती नहीं है। नेगेटिव चीज होगी तो उसके ऊपर क्लिक भी होगा, लाइक्स भी होगी, वायरल है ना। और उसके ऊपर ज्यादा ड्वेल करना, ज्यादा रिएक्शन देना भी एक वो है कि व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम। या जस्ट गेट ओवर इट। जस्ट गेट ओवर इट। एक वो एक जुमला आता है और फिर ये गेट ओवर हो जाता है। ये एक तरीका है कोप करने का ऐसी सिचुएशन के साथ। ठीक है। मुझे अपने हवाले से ये वाली खबर बिल्कुल नहीं पसंद। कोई दूसरों के साथ बदतमीजी कर रहा है मेरे होते हुए। That is so true. यार बड़ा जानती है तुम एक दूसरे को। लगता है चुड़ैल से बहुत टाइम गुजार रहे हैं। जानते क्या हम मतलब जब मैं आई भी थी इंडस्ट्री के अंदर सारे मेरे से पूछते थे कि आप सरवत गिलानी की बहन हैं या क्या सीन है। Why? फिर ये होता रहा पहली बार के लिए। उसके बाद फिर जब हम मिले तो ऐसे ही लगा था कि हम बहने ही हैं क्योंकि कनेक्शन ऐसा है। बिछड़ी हुई कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई तो बहने। ठीक है जी। शूट के दौरान कई बार मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि लोग मुझे ज्यादा नींद नहीं पूरी करने देते। Unfortunately अभी तक करंट मारने का मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा अब मुझे ख्याल आया ये सरसवात वाली शूटिंग में ना ये ज़ॉम्बी की तरह भी फिरते एक आधा घंटा। अच्छा हम कहते थे क्या हुआ इसको, ये उधर जा रही है कभी क्यों जा रही है, वो पता ही चलता बेचारी की नींद। आप समझ आइए। हाँ। मैं सोचता यार ये इतनी खामोश और बस यूँ Zoned out. वो इसलिए कि टाइम पे तो पहुंचेंगी, प्रोफेशनल भी हैं तो मना नहीं करेंगे, लेट नहीं होंगी, मगर क्योंकि नींद नहीं पूरी होंगी तो मैं ज़ॉम्बी बनूंगी। लेकिन मैं टाइम पे जरूर मैं ये तो दिखाऊंगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। हाँ। अच्छा एक दिन सवात में सवात में हमें मैं उनको कहता था कि प्लीज मुझे संडे भी ऑफ नहीं करना, डेट स्क्वीज करके जल्दी भेजो। लेकिन मैडम का एक दिन ऑफ था स्केड्यूल में तो असिस्टेंट ने जाके कह दिया कि एक सीन में बोलते नो आज मेरा ऑफ है मैं सीन नहीं करूंगी। तो मैं इतना हंसा, मेरे का सवात में कमरे में बैठी हुई है, कुछ नहीं है करने को, कहीं जाने आने को नहीं है, ऑफ डे क्या करना है, काम एक सीन करा, नहीं आज मेरा ऑफ है, वो नींद पूरी करनी होगी। ये चक्कर। ठीक है जी। इसके साथ काम करते हुए डरती हूँ। मैंने बोलना है। हाँ। आप सरवत। इसके साथ काम करते हुए डरती हूँ। अच्छा भी हो सकता है डर, यानी किसी मतलब अच्छा हो सकता है डर या बुरा भी हो सकता है। चलो बुरा हो सकता है। किसी I mean she's so like So like what? Say it. Say it. इसी स्लो और नाकारा इंसान के साथ काम करने से डरती हूँ। वो तो हर कोई डरता होगा यार। स्लो और नाकारा के साथ। ऑब्वियसली जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको भी पता है, आप खुद भी डरते हैं। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा। डायरेक्टर भी अगर स्लो नाकारा, God forbid, या आर्टिस्ट भी आपके सामने। और ये I think ये हर एक्टर का एक फेयर होगा। Especially when you have a certain experience, it's also very difficult to at times work with new people. But then you feel कि कभी आप भी stage पे हैं, तो मुझे फिर ये ख्याल आता है कि यार आप learning stage पे हैं, so you have to give margin at times. ये भी होता है। नहीं, जो जानबूझ के slow है, मतलब late आ रहे हैं, अपनी diva बनके, मतलब हम। I can't stand. हाँ, है ना? ये तो मैं कहता हूँ आइंदा इनके साथ काम नहीं करना मुझे। I make sure इनको लेना भी नहीं चाहिए। हंस कितना रही है हमारी दोनों की बात में हंस रही है। Yeah, I agree with all of this, of course. Okay जी, हाँ वो ये तो नहीं दिल में सोचे कि खुद दोनों को देखो ये क्या डीवा बन के घूम रहे होते हैं और यहाँ पे किसी ड्रामे कर रहे हैं। We don't like that, Meher. We don't like that. यहाँ पे जुगत बांसी होगी। मारो जुगत मारो। अच्छा, मेरा फैशन सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सच है या झूठ है? मैं माइक की तरह इसको यूज करने लगी थी अभी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा फैशन सेंस फैशन सेंस मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है और मेरी एज के लिहाज से बहुत हिप हॉप है। इसकी मैं इन्हीं के लिए बात कर रही हूँ, बट मेरा इसलिए मैं कह रही हूँ। You think you have a great fashion sense? No. I'm just a very. She's a really low maintenance. Who, बहुत ज़्यादा chilled out fashion sense. I just. So you don't care. I don't really work hard on my looks. और casual भी, but your looks are great. No, but listen, Bano, off camera you're very chilled out. हाँ, बहुत chilled out. So it's a very chilled out fashion. On camera भी I'm so chilled out. On camera हमें करना पड़ता है इसको मेहनत इसके ऊपर. हमें डर भी कभी-कभी लगता है कुछ ऐसा ना बोल दे जो इसको ही ना पता ही क्या बोल रही है. On camera सोच समझ के बोला कर बीबी. ठीक है जी. बचपन में की जाने वाली ये गलती मुझे अभी तक याद है. इतना भी नहीं जानती बचपन की क्या जानती है. चलो फिर किसी कैरेक्टर के बारे में हो सकती है, किसी चीज के बारे में, कोई गलती जो सरवत ने की हो जो सरवत को भूलती नहीं है. Not that she would. सरवत खुद बता दो यार, प्लीज बटन दबा दो यार एक बार. कोई करंट नहीं लग रहा है. जाली है ना, टॉन करें प्लीज. ये जाली है. ये बेहतरीन मौका है बानों को करंट लगाने का. प्लीज ये मुझे मौका ना छीने. मैं तो वेट कर रही हूँ. क्या सरवत ऐसी आदत है जो बचपन की बहुत बुरी लगती है खुद को? बचपन की यार ये आदत बस थी जो मैं बिल्कुल यार मुझे ना सफाई की बहुत ज़्यादा आदत है. और कभी कभी ना मुझे बहुत इरिटेट करती है. मैं किसी के घर जाती हूँ और मैं वहाँ सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ एंड इट्स नॉट नाइस यू नो. और मैं सेट्स पे जाती हूँ. इरिटेटिंग भी हो जाता है यार. इरिटेटिंग है ना लोगों के लिए कि बस कर दो, बैठ जाओ अब. तो वो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग. मैं अगर किसी बहुत हैंडसम लड़के को देखती हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन ये हो जाता है यार शाहरुख इससे ज़्यादा अच्छा है. Oh my God! Hi Shahrukh. Just in case nobody knew about you, now everybody does. Oh my God! सारा भांडा फूट गया. Okay. Shahrukh. अब वो आपके ऊपर है, आप कौन सा शाहरुख है ये मुझे देख ले. मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी. नहीं ये लाहौर वाला शाहरुख है. ठीक है. मैं जब किसी हैंडसम लड़के को देखती हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन ये होता है कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ. और ये भी होता है कि मेरा मियाँ बहुत अच्छा है. हाँ नहीं ठीक होगा. एक्सप्रेशन ये होता है कि यार इसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है, फाद से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं. यानी आधी मैग्नेटिक आर्टिस्ट बन गई हूँ. बिल्कुल बताने में माहिर है. हाँ कि देखो ये ना ये करा लो, अगर हो जाए तो परफेक्ट लगता है. घर में हो रहा हो तो कितने मजे हैं यार. हर वक्त कुछ ना कुछ. नहीं मजे नहीं है. मैं दोनों दे प्यारे क्यों होते जा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी. आई नो लोग मुझे कहते हैं, मैं कहती हूँ गेस व्हाई, गेस हू इज नॉट गोना गेट ओल्ड एवर. ओके जी. हाँ इन एंकर के शो में जाने से हमेशा डर लगता है. बहुत सारे हैं बहुत ही ज़्यादा सारे हैं एक्चुअली, और अनफॉर्चुनेटली मुझे तो नाम ही नहीं पता होते हैं। मैं बताऊँ, आमिर लियाकत के शो में, और वो हिमानी वाले कौन है, डब्ल्यू से नाम शुरू होता है, वसीम बदामी। क्यों वसीम बदामी के वो शो नहीं है जो ऐसी कि नाजुक सी बातें हैं, और वो शो ऐसे शुरू करते हैं और फिर वहाँ जो बातें होती हैं वो बड़ी क्लास होती है। ओके, सो और या है ना, ऑलराइट। और आमिर लगत के शो में क्यों, वो बड़ा फन, इस रमजान में तो बड़ा फनी फन लविंग शो था, बहुत फन था और नागिन टाइप फन था, और वो बड़ा जो होता है ना कि अच्छा, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? आई थिंक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा लाउड होता है, और मेरे लिए तो एटलीस्ट उस एनर्जी को मैच करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, गिवन दैट आई एम, मतलब वो बहुत आमिर भाई बहुत फन टाइप शो करते हैं, लेकिन उस फन को मैच करना इम्पॉसिबल, मुश्किल होता है। ओके, जी की इस सीरीज में मेरी फेवरेट एपिसोड बोल दो। Sixth step. मेरी as me? No, mine is first. Meri first. I know, but I'm talking as you na. As you have to tell about her. As Sarwat. इसकी favorite कौन सी होगी? First ही होगी. First वाली कौन सी है? उसका नाम बताओ. महक. वो किस की है? वो आपकी है. वही वाली जो हमारी वो first. सरवत की है और ओबी की है. अच्छा, महर की सीरीज में से फेवरेट एपिसोड कौन सा? Sixth. No, I actually loved the first episode. Oh, buddy! धमाकेदार स्टार्ट था वो। स्टार्ट भी बहुत अच्छा था, और I think कि उसमें characters define हो रहे हैं। हाँ। You know, introduce हो रहे हैं, तो वो जो उनकी mysteriousness है, वो बहुत अच्छे से नजर आई। It sets the tone सबसे पहली बात, दूसरी बात मैंने आपको ऐसे character में कभी देखा ही नहीं, तो मेरे लिए एक बहुत shock, मैं आपको मान गए, पहचान गए। तो क्यों सवात में नहीं मानी थी? हमने इतने सीन्स किए वहाँ। हाँ, लेकिन this is like completely different as a, even as a look, you know, tone भी, look भी, ऐसे जो तुम्हारी वो चिपके से बाल है, क्यूट से पेंडू से बने हुए। तो सरवत तो थी बहुत अच्छी, but you were also a standout performance। या सरवत तो है ही अच्छी। ओके, ठीक है, घर के सब काम करवा लो लेकिन ये ना करवाओ। मेरी बारी है, सरवत की बारी है, कोई भी काम ना करवाओ। बट थोड़े से एक दो काम करा, एक काम तो बिल्कुल भी मत करवाओ। हाँ, जैसे बर्तन नहीं मैं धो सकती, बर्तन नहीं धुलवाओ, इस्त्री ना करवाओ, सफाइयाँ ना कराओ, मुझे बेड दो, मेरी चाय कॉफी टाइप, और सोने दो, फोन दो, और कुछ अच्छा सा शो लगा, सोने दो बस, चाय कॉफी भी नहीं चाहिए बॉस। हाँ, आजकल तो स्लीप डेप्रिवेशन की नेक्स्ट लेवल चल रही है बानों की। ओके, मैं शादी करना चाहती हूँ लेकिन उस टाइम पे जब हम दोनों सेटिस्फाइड हों कि हम आगे भी और बेहतरीन काम कर सकेंगे। ऐसे ही है चीज़ यानी। सरवत तो बहुत जानती तुम्हें। मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ। सरवत अपनी इन तीन चीजों के बगैर घर से कभी नहीं निकलती। पर्स, फोन एंड मामता। Yeah, baby. I thought बोलेगी and Rao also. Rao जो है वो एपिसोड ऐसा मगन हुआ है, एपिसोड जी की एपिसोड देख रहा है। घर से मैं तीन चीजों से नहीं निकलती, पर्स, मोबाइल एंड Rao। That is too funny though. मैंने अगर लोगों को ये लेक्चर देना हो या कुछ सिखाना, तो मैं इस चीज के बारे में सिखाऊंगी कि औरतों से किस तरह तमीज से बात करते हैं। और मैंने अगर लोगों को लेक्चर देना तो क्या सिखाऊंगी कि औरतों को अपने से कमजोर नहीं समझते हैं, नहीं तो हम आएंगे और आपको दिखाएंगे। ये बात है जनाब, ब्रेक का वक्त है, मजाल है किसी दोनों में से एक ने किसी को झटका लगाया हो, और जब कोशिश भी की तो नाकाम। जनाब आगे बढ़ते हैं अगली गेम की जानिब, छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद अहसन खान। तीखा सच हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। मेहर और सरवत हमारे साथ मौजूद हैं और ये दोनों इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि बड़ी प्यारी दोस्त हैं, सुपरस्टार यानी कि ज़बरदस्त ग्रेट एक्टिंग और काम करती हैं। लेकिन जो इनकी अभी अभी सीरीज आई है जिसका नाम है कातिल हसीनाओं के नाम। अब ये दो कहाँ से, मुझे कहीं से कातिल हसीना जरूर लग रही है, कातिल नहीं लग रही है। तुम्हें नहीं पता है? नहीं पता, हमें वो हिडन टैलेंट नहीं पता इनका। ठीक है जनाब, और ऑब्वियसली वो Z5 की सीरीज़ है जो कि बड़ा अच्छा उसका फीडबैक आ रहा है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई वुड रिकमेंडेड, ज़रूर देखिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जनाब, मिर्चें दोनों की फेवरेट हैं। हाँ। ये तो कोई बात ही नहीं है, सरवत तो ऐसे खा के सरवत ने तो ऐसे खाया था कि मतलब एंजॉय किया था ना यार। अच्छा ये भी डाल देते हैं थोड़ा सा। मजे का होने वाला है, क्या हो गया यार, कम ऑन सर। मैं नेक्स्ट शूट पे ना जाऊं ना, पेट का दर्द। आई नो यू लव चिलीज या, और तुम भी बहुत खाती हो। हार्ट बर्न सेंट्रल। ओह माय गॉड, ऐसे कभी खुद भी खाई है? बहुत ज्यादा। दिस लुक्स सो टेम्पटिंग। ओह माय गॉड मेहर बानो, आई फील सॉरी। पानी भी है मेहर बानो, दूध भी है, दूध और विंग्स कॉम्बिनेशन। अच्छा अब खाते खाते जवाब देना दोनों ने। एज यू नो सरवत तो एक्सपर्ट हो चुकी है, पहले भी आ चुकी है। अच्छा पहला सवाल हम करेंगे सरवत से। सरवत, काफी टाइम पहले एक वीडियो सरवत ने शेयर किया था जिसमें हवाई फायरिंग की थी और लोगों ने बड़ी उसकी बातें बनाई थी, क्या माजरा था वो? देखिये अपने कैरेक्टर के लिए मैं बहुत रिसर्च करती हूँ और जब मैं पेशावर गई तो मेरे कज़न्स और हमने मिलके इसको लग गई मिर्चें, हमने मिलके मैंने कहा कि मुझे ना बंदूक पकड़ने का और चलाने का तरीका सीखना है। तो मैं सीख रही थी अपने घर में पेशावर में। रिकॉर्ड हो भी गया, सोशल मीडिया चल भी गया, हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ था। मुझे अच्छा लगता है गन्स चलाना, मगर जैसे हवाई फायरिंग था। ठीक है, सही है, हो गया। ओके फाइन, बस हो गया। ठीक है मेहरबानो, खाओ ना यार, खाओ। स्ट्रगल है ये बहुत, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। खुदा और मोहब्बत के हीरो फरहाद के लिए कहा था कि अगर ये असल लाइफ में ऐसा करता तो मैं इसको पता नहीं क्या मारती। I don't know if I said that, but I said something to the effect of के ये इस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करना एज अ हीरो इज प्रोबेबली नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, बिकॉज व्हाई? इस तरह के फॉरलोन आशिकों के कैरेक्टर जो कि यू नो टेक्निकली तो माही का जो कैरेक्टर था उसने उससे ये नहीं कहा हुआ था कि हाँ हमारे बीच में कुछ है या हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी वो उसके पीछे ऐसा आशिक हो गया कि एंड में दरबार पे बैठ गया। हालांकि one-sided love था, unrequited love था, लेकिन उसने इतना उसको दिल पे ले लिया कि वो बिल्कुल ही जाया हो गया इंसान। तो मुझे लगता है कि ग्लोरीफाई करना थोड़ा और रोमांटिसाइज करना भी थोड़ी सी अजीब बात है, बट चले क्या ही कर सकते हैं। हो गया। ठीक है सरवत, आफ्टर चुड़ैल एक कमेंट किया किसी ने कि ये औरत हो, कोई अच्छी साइड दिखाओ कल्चर की, तो उसको बड़ा जवाब भी दिया था करारेदार, तो क्या था वो, क्या हुआ था? मैंने कहा था हर किस्म की औरतें हमारे मुआशरे में होती हैं, हमारी दुनिया में हैं, तो अगर हम सिर्फ मजलूम से सकती हुई औरतों की कहानियां बताएंगे और दूसरी किस्म की कहानियां नहीं बताएंगे, सो दैट्स अ वेरी बाइफिकेटेड काइंड ऑफ ओपिनियन। ओके, तो हर किस्म की औरत है जिस तरह हर किस्म का मर्द है। हीरोज भी हैं, एंटी हीरोज भी हैं, तो आप सबकी कहानियां बताएं और स्पेशली जब आप सिर्फ एक कहानी बता रहे हैं। हाँ। आप कोई फैंटेसी कोई डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, इट्स लाइक अ स्टोरी, और एक डायरेक्टर या एक राइटर या एक एक्टर कोई भी स्टोरी सुना और दिखा सकता है, वो उसकी अपनी एक विजन हो सकती है। एंड आई फील कि सोसाइटी को डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। डिनाइल में रहने से फायदा नहीं होता आपका। सही है, आपको रियलिटी को फेस करके उसकी सॉल्यूशन निकालनी जरूरी। सही है, बिल्कुल सही है जी। अगला सवाल, मेहर खाओ। ओह माय गॉड, मेहर खाओ। जरा अच्छी वाली बाइट ले यार, इतनी मतलब बर्न करता हो जा रहा है अंदर सारा। ठीक है। सबा कमर ने एक बार हरासमेंट के दौरान मुझे सपोर्ट किया, ये क्या था? मैं एक एक्चुअली वाज द सेकंड सेट आई हैड एवर बीन ऑन, आई वाज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो आई रिमेंबर दैट द पर्सन हु वाज होल्डिंग द माइक, जो जिस बंदे ने माइक पकड़ा हुआ था वो मुझे ना कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा था, एंड ही वाज जस्ट गेटिंग अनयूजुअली क्लोज और मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहा था। तो मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हो गई और मैं भागी हूँ ऊपर, और मेरे मुंह पे आ गया कि मैं अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बिकॉज यू नो नेचुरली जब आपके साथ कुछ हो रहा होता है आपको नहीं समझ आ रही होती, तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो फिर मैं ऊपर गई एंड आई सीम्ड वेरी अपसेट, मेरे मुँह पर आ गया था, मेरा चेहरा उतरा हुआ था, कि कुछ हुआ नहीं था उस तरह से, बट लाइक यू नो मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी बहुत। एंड देन She asked me actually, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेरा मुंह उतरा हुआ देखा, और ये मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगती है कि वो इतनी ज़्यादा जस्ट लाइक कंसर्न, इतनी कंसर्न थी, और उनको नज़र आ गया था यू नो, वो पॉइंट आउट कर लेती है, उनकी इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्या हुआ तुम्हें? तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ये किसने किया है, जस्ट मुझे बस बताओ, एक बार पॉइंट करके बताओ कि वो कौन है। और मैं गई उनके साथ उनके पीछे और मैंने पॉइंट किया उनकी तरफ, और वो उसी वक्त नीचे गई हैं, उन्होंने एक रकस शुरू की है, और शी मेड श्योर कि वो बंदा उस सेट से गायब हो जाए, वरना वो काम नहीं करेंगी। और मैंने पहली बार किसी औरत को इतना स्ट्रॉन्ग डांस लेते हुए देखा, वो भी इसी के लिए, एक नई आर्टिस्ट के लिए, विच इज़ वंडरफुल। आई थिंक इट्स कमेंडेबल, एंड सबा को इस बात पे बहुत अप्रिशिएट हमें करना चाहिए कि किसी के लिए स्टैंड लेना, बिकॉज शी हरसेल्फ इज सच अ हार्ड वर्किंग खातून, एंड जिस तरह से उसने अपना करियर बनाया, अमेजिंग टैलेंट सबा में। आई मीन इतना टैलेंट है, मुझे लगता है कि इतना टैलेंट किसी में कम ही होता है। Sarwat, you would agree. Absolutely. Amazing talent. I think she's a very strong woman. Very, very strong. जो गुजरता है ना इन चीज़ों से, वो इन चीज़ों को recognize कर सकता है। एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब someone जो कि सबा के stature का है, इतनी ऐसी जगह पे पहुँच गई है जहाँ पे उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता है, and she's so strong and powerful and famous. लेकिन उसके बावजूद, you know, she's got that soft heart. That's amazing. तो यही एक actors की बात मुझे. That's another reason why somebody's up there because they're great people, you know. ये बड़ा ज़रूरी होता है. ठीक है, ज़बरदस्त, very अच्छी बात सुनाई है मुझे, मुझे बहुत खुशी हुई है, ये मैं जानता नहीं था इस बात के बारे में, I didn't know that. नहीं, but मैं आपको ये बात बताऊँ, ऐसा I feel कि हमारी इंडस्ट्री में जितनी भी औरतें हैं और लड़कियाँ हैं, वो एक दूसरे के बड़े like they stand behind each other. Which is great. Why not यार? और इसके बारे में misconceptions बहुत ज़्यादा है, लोग औरत की दुश्मन है और सारे ऐसा बिल्कुल नहीं है, और बिची होती हैं, लेकिन कातिल में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, where you know we were there for each other. अच्छा, that's amazing यार, that's brilliant, wonderful. खाओ तो लो यार थोड़ा सा। महर, औरत मार्च के दौरान एक स्टेटमेंट दे दिया था और इंडस्ट्री के लोगों ने डिस्करेज किया था, और लोगों ने भी कुछ डिस्करेज किया था। क्या था वो, क्या हुआ था, क्यों हुआ था? एक बहुत पुरानी वीडियो रिसर्फेस हो गई थी और बस हो गया, इट वाज़न्ट लाइक अ बिग डील, बट आई थिंक मेरे वर्ड्स बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए थे, और जो मैंने पूरी बात कही थी वो नहीं दिखाई थी, और बहुत हैवीली एडिटेड होता है। और ये सारों को पता है कि हम स्टार्स के साथ, यू नो, पीपल टेंड टू पुट वर्ड्स इन आवर माउथ, जब हमें नहीं पता होता, जब नहीं भी पता होता है, एंड देन यू नो वो अपने मिसयूज, और वो काटा बीटी इस तरह की कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं कि आपकी स्टेटमेंट ही बदल जाती है। एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ एक्टर्स कैन रिलेट टू दिस, इवन इफ दे माइट नॉट से इट, बट या इट इज ट्रू, बहुत ज्यादा मिसकंस्ट्रू की जाती है आपकी बात। तो यहाँ पे भी वही हुआ है एक्चुअली। ठीक है, ओके, जबरदस्त जी। खाओ ना यार, खा रही हूँ, बस कर दो ऐसा। यार इतना सा खा के खा रही हूँ यार, ये अब पता चला ये इतनी सरवत को मैं पिछले 15 सालों से इतना सा देख रहा हूँ, बचा ले बल्कि ओ मुझे फहद ने बता दिया था, खाती भी बहुत है कुछ, तुम्हारे शो से पता चला लोगों को कि मैं इतने इतने बड़े मिल्क शेक के ग्लासेस पीती हूँ, थैंक यू सो मच। और लोग समझते हैं कितनी डाइटिंग करती होंगी, हाँ लोग समझते हैं फुल जिम है। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी सवाल ये है सरवत से कि देखो, बिकॉज वे हेयर फॉर दिस यू नो जी के इस प्रोजेक्ट के लिए, कातिल हसीनाओं के नाम का फेवरेट सीन अपने एपिसोड का बताओ कि कौन सा सीन सबसे अच्छा, और लोगों को थोड़ा बताओ ताकि लोगों में ये लगे कि वो देखें वो सीन। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास डायलॉग्स नहीं होते, जब मुझे एक्सप्रेशन से, अपनी आंखों से अपने इमोशंस जाहिर करने पड़ते हैं। तो जब आपने मुझे किडनैप किया है उस जंगल सीन में, दैट वाज माय फेवरेट सीन। Right. Because I thought the scene was about me, but I didn't have any dialogue. You were just looking at us. And there is a like उसकी ज़िंदगी crash कर रही है उसके सामने, एक सच reveal हो रहा है उसके सामने जो उसकी ज़िंदगी का सच है, और उसको पता ही नहीं था ये 7 सालों से। So I think that in itself, to just overcome that, I thought कि मुझे बहुत मज़ा आया। और जब तक कैमरा मेरी तरफ आया 7 घंटे गुजर चुके थे अहसन। I know. So इन लोगों का शॉट जब आप लोगों का और ओबी का हुआ, तो मुझे दोबारा से अपने आप को उस जगह पे लाना पड़ा कि मैं किडनैप हुई हूँ। You know what I did? I zoned out from all of you and I started concentrating on the darkness of the jungle. And I thought to myself कि मैं actually kidnap हुई हूँ और मुझे actually नहीं पता कि आदमी क्या क्या करेगा। तो फिर मैं उस जोन में वापस आई। तो बहुत मजा आया। और वो सीन में आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, ओबी की भी। प्लीज देखें, वो अनबिलीवेबल सीन है, मतलब सीरीज ही पूरी देख लें, अनबिलीवेबल है। ठीक है जी, मेहर को असल में मिर्च लगी बेचारी पानी पे। मैं दूध भी पी रही हूँ और मैं दूध आके पीछे पीती यार। ओके जी, मेहर ये बताओ, बोल्ड फोटोशूट्स अगर करने पड़ जाए या कोई सीन ऐसा करना पड़ जाए तो उसके बारे में क्या कहोगी? यानी रिवीलिंग हो, बोल्ड हो, कुछ एज एन एक्टर अगर करने हो तो कर लोगी? डिपेंड करता है कि बोल्ड का मतलब क्या है। ऑब्वियसली मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट गेटिंग फोटोग्राफ, तो मैं नेचुरली इतनी फोटोज खिंचवाती ही नहीं हूँ अपनी, तो उधर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं एक रुके हुए फ्रेम के अंदर, एक फ्रोजन फ्रेम के अंदर कुछ भी करने वाली हूँ। मतलब एज एन एक्टर यू नीड to act as somebody and then you can do something. हाँ, मेरे लिए मुझे लगता है कि एक as an actor अगर कोई requirement है तो मैं एक हद तक उसको play करने के लिए you know कुछ amends कर सकती हूँ, but like उस तरह से bold करना शायद जिस तरह से आप कहना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकल के नहीं करेगी। हाँ, ये कंफर्ट जोन के मतलब अब मुझे क्या पता कितना आएगा तब आप देखेंगे। इतना नहीं है, इतना नहीं है, मतलब you would discourage it to a certain extent and then want to do it. I mean people can do it. For yourself, for my own self, मैं बस थोड़ी ऐसे कि आपको पता है कि मैं थोड़ी कम गो हूँ, थोड़ी शर्मीली हूँ। ठीक है, तो नहीं। ओके, जबरदस्त है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ेंगे, दोनों हमारी गेस्ट जो है वो पानी पिएंगी, मिर्चें कम करेंगी और अगली गेम की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान। Welcome back to Time Out with Ahsan Khan, और मेरे पास कातिल हसीनाएं मौजूद हैं, 2 बाकी जो हैं वो घर पे आराम कर रही हैं। 7 हैं टोटल कातिल हसीनाएं, कितनी? 7 women। बाकी कहाँ हैं इस वक्त? बाकी सब अपने काम कर रहे हैं, कुछ कतल वतल कर रही हैं, कुछ बॉडीज छुपा रही हैं। ओके, सही है जी। Generalology question is, Sarwat, you played this with your husband and he won, obviously. Of course, he won. इस बार तैयारी ज़्यादा करके आई हो। बिल्कुल। और मेहर, इस सेगमेंट का नाम है छुट्टी बंद। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता, which is okay, तो you lose, obviously, and then you'll choose a number, और इस treasure box में कुछ चीजें हैं जो हमें पहननी पड़ेंगी। सही है। सही है। सही है। Ready? She looks happy. Very happy. तो पहला सवाल ये है, पाकिस्तान Forest Institute is located in Islamabad, Peshawar or Abbottabad? Peshawar, because सबसे ज़्यादा 1 million forest, 1 million trees जो उगाए थे, हमने लगाए थे, वो पेशावर उसपे general knowledge है। Actually जो उनके forest minister हैं वो मेरे cousin हैं, तो मुझे ये पता। दिखाइए जी सही जवाब क्या है। सही जवाब है पेशावर। मेहर बानो, तुम नंबर चूज करो। number choose karoon 3. Number 3. Not bad. Just perfect. Perfect for Meher Bano. You have to wear this now? She's the devil's advocate for sure. Sahi karke pehen lo. I'm really happy with this look. Yes, it looks cool. So next question. Dekhiye, gaur se dekhiye. Sound travels about dash times faster in water than in air. Four times. 4. Okay, you said 4 and you said 4 times. I'll say 4 too. But you said it late, so let's see what's the right answer. Is 4 times faster in water. Thanks to all my physics. Travels 4 times faster in water. ये पता है मुझे कैसे पता है? अब मैं वहाँ गई थी Magnify Science. Oh right, recently गई थी. Recently गई थी. जाना चाहिए. हाँ, बहुत amazing है. ठीक है जी. Choose. Sorry Meru. 9. कोई बहुत outdated. I actually quite enjoy matching हो रही है काफी. ऐसे बन गए. She's working that too. Yeah. How cool are you? It's a look, honey. It's a look, honey. That's true. Okay, see. Next question. Who is the father of Urdu literature? Yeah, who is considered? Okay, Mirza Asadullah Khan Ghalib, Maulvi Abdul Haq, ya Mir Taqi Mir. I think Maulvi Abdul Haq. Ghalib? Okay, anyone who would listen to the question would instantly Ghalib bhi bolega, वैसे मुझे लगता है. Ah. But Sarwat said Maulvi Abdul Haq. So the right answer is Maulvi Abdul Haq. Because Ghalib's poetry is very, very good, but he's also done a lot of work. Yeah. But then Maulvi Abdul Haq jaisa kaam nahi Urdu mein ka. Haan ji. 4. Number 4. Not bad. Okay, that's nice. Work it, baby. Bougie, you work it. Bougie is right. Bougie girl. Yes. Okay, next question is, on which river the Mirana Dam was constructed? Dashat River. Okay, Dashat River, Gomal River, Kabul. Are you sure? Yeah. Yeah? Are you? Yeah, I think she's right. Okay, the right answer is... She's right! Finally! Sarwat Kamar. But I agreed with her. No, but you were late. One. Number 1. Actually, no. Number 9. 9 and 8 are my lucky numbers. So 9 to ja chuka. Oh, 9 ja chuka, phir 8 pe jayenge. Was it bad choice? No. Mil jaye mujhe ab. Safai kar do main thodi iski. Oh my God, I hate you. Itna cool hai. It's not आपको राइनोप्लास्टी की जरूरत है फहद से फौरन कांटेक्ट किया जाए शायद जरूरत है फहद मिर्जा से कांटेक्ट किया जाए तलहा अगला सवाल ये है व्हिच कंट्री हैज प्लेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वन डे मैचेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया You said India she said Australia let's see the right answer is India I hate you right about now. Number 5. Number 5. Not bad. बहुत ज़रूरी है. कातिल हसीना. हल्के gloves पहने. हल्के gloves ज़रूरी है. Don't accept me. मैं बर्दाश्त ही लग रही. इसकी खुशियाँ तो देखो ना ये करते हैं। Okay, next question is when did PTV start its color transmission? 74, 75, or 76? 76. You said 76. Yeah. And you say. Bano wasn't even born. I have no idea. Neither was I. I'm not a 70s child. Obviously, but I have no idea. I'm an 80s child. Okay, cool. Let's just clarify that, huh? Okay, the right answer is. He's right! 6! Bano. 7. Number 7. By Allah. Joker hat. Allah good. Joker hat ke upar lagaya. Joker hat ke upar. Cool. बड़ी मजे की लग रही लोग यार Looks cute. तीन और सवाल ओके जी अगला सवाल ये है Very easy. The city of textile is Peshawar, Faisalabad या Faisalabad. पहले किसने बोला है जवाब सही कौन सा वाला है फैसलाबाद पहले बोला है बानो ने Choose the number Sarwat. Number 1. I hate you, you know that. Huh? Oh, I'm an angel. यूं नजर आएंगे हाँ लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहे हम चाहते हैं यूं नजर आए अब अच्छा ओके एसेंस सिंस इज योर शो उड़ रही है तो पर ऊपर है हाँ मैं आफ्ताब विंग्स ऊपर है वेरी नाइस I'm also working my wings. Next question. Which country is situated below sea level? Very, very easy. New Zealand, Netherlands, or Australia? I think Netherlands. New Zealand? Very easy. Netherlands. Holland, basically. Yes. You know, after several years, they have to demolish their buildings as well because वो क्योंकि इतना low है, इतना वो जगह ऐसी कि वो low होता जाता है और it's not like a steady place. It's not stable, you know? Yes. Yeah. Half of my family lives there. That's all right. G. 2. Any Meher is like. It's like जो भी है बना दो यार. How cute! I like that. Yeah, you look so cute. Okay, जी अगला सवाल ये है. Karakoram Highway is also known as N65, N35, yeah, N25. N35. Who's you said N35? Yeah. Okay, and you said N35. But you said it late. So what's the right answer? What's the right answer? Show me. N35. Yaar, ye to main achhi ho gayi. Double deal de mere. Kab aadi number choose kar lo. 10. I'm kind of impressed by myself. Good job. What's happening? Last time I was very disappointed in Prithya. Obviously. But she has good general knowledge. Oh, I wanted this. Now it must be high fashion. America's Next Top Model. बस कर दो आगे गिर रही है ऊपर टोपी भी बनानी टोपी I love it okay जनाब thank you ये Thank you very much. Thank you, thank you. Next segment की जाने पड़ेंगे. ये दो कातिल हसीना है यहाँ पे देखिए क्या कर रही हैं दोनों जनाब. एक break लेंगे हमारे साथ रहिए देखते रहिए Time Out with Ahsan Khan. Janab, welcome back to Time Out with Ahsan Khan. और कुछ तोहफे हैं और हमारे दोस्त हैं उनको देने आप लोग चूज करोगे कि कौन सा तोहफा किसको जाना चाहिए. तो पहला तोहफा जो है वो सरवत से पूछेंगे कि अगर इनमें से समिया मुमताज को कुछ देना पड़े तो क्या दोगे? सबसे बड़ी कातिल हसीना को ये जाना चाहिए ताकि उसके लिए कत्ल करना और आसान हो जाए. She is a goddess. Okay. Unbelievable. Okay, मेहर. समिया. नहीं. सरम सईद. सरम सईद. वो और भी चीजें हैं. सरम सईद को मैं ये देना चाहूँगी. ताकि वो बहरूपिया बन जाए. ओके बहरूपिया बन जाए क्योंकि उसका एक भी अभी पोस्टर भी ऐसा ही है कुछ. I think that's why because she has a mask. I see her character wearing this. हाँ. ओके ठीक है ओके fine इसको अलग कर दो ना निकाल दो उसमें से. ठीक है किसी और को भी देना है. ओके सरवत इनमें से आमिर लाकित को क्या देना चाहोगी? मैं आमिर लाकित भाई को बेलन देना चाहूँगी कि जो भी लोग उनके पीछे पड़े होते हैं उनको इस बेलन से वो मारे. ठीक है मेहर. आमिर लागत नहीं देना चाह रही हो कुछ देना चाह रही हो दे दो प्लीज दे दो मैं नहीं देना चाह रही. मैं आमिर लागत को तो नहीं देना चाहिए लेकिन अगर मैं आमिर लागत के साथ होगी तो मैं ये बैटरी रख लूंगी अपने साथ और ये क्योंकि मुझे बैटरी की जरूरत होगी उनसे कीप अप करने के लिए. ओके साहिर लोधी को क्या देना चाहोगे इसमें से? साहिर लोधी को मैं देना चाहूंगी ये ताकि वो अपना मेकअप थोड़ा और ब्लेंड कर ले सही से प्रॉपर्ली. ओके सर क्या हुआ यार तुम लोग बहुत बुरे हो. नहीं तो मत दो ना सरवात. यस तुम मथीरा को क्या देना चाहोगी? मैं मथीरा को ये देना चाहूंगी. ये मथीरा ये इसलिए काम आता है बाजी यहाँ पे A1 टिप टॉप लगेगा. A1 टिप टॉप लगना है मुझे. A1 टिप टॉप. मैं मथीरा को ये लाल चुंदरी देना चाहूँगी. वाह क्या बात है. ओके मेहर वीना मलिक को क्या देना चाहोगी इसमें से? वीना मलिक को मैं चन्नी दूंगी उनको और ताकि वो अपनी थोड़े से जो ख्यालात उनको थोड़ा सा फिल्टर कर. एपिक. ओके यार ठीक है यार ये बहुत सोच समझ के दे रही है पर कहीं पे रुक जाती है. पहले वाले में रुक गई थी जरा अब नहीं सोच रही. ओके सरवत अदनान सिद्दीकी को क्या देना चाहोगी? अदनान सिद्दीकी को ना मैं ये पॉलिश का जूता जूते का बस पॉलिश करते रहे वो पॉलिश पॉलिश करें अपने आँखों No, he's already very polished. Okay. लेकिन I think आजकल उनको और polish करने की लोगों को दिख रहे हैं मुझे वो polish करते हैं लोगों को polish कर रहे हैं. Okay, ठीक है. नहीं नहीं I take it back. मैं अदनान सिद्दीकी को और भी डाल देना चाहूँगी. अदू इसको तो माफ कर दो यार. What does that even mean? Okay. याद तो समझ गया. Okay ठीक है. Okay. ठीक है. बहुत मरवाओगे यार तुम लोग मरवाओ. हमारी इंडस्ट्री में हमारे घर वाले दोस्त सब मिलके पीछे. सोशल मीडिया पे जो गलत बातें फैलाते हैं और लोग ट्रोलिंग करते हैं उनको क्या देना चाहोगी महर? उनको मैं देना चाहूँगी ये बॉल ताकि उन्हें कुछ और मिल जाए खेलने के लिए हमारी जिंदगियों के साथ खेलना छोड़ दे बॉल के साथ खेलें Good something to do ना Yeah something to keep you guys busy Okay बहुत दिल से आया है ये ठीक है सरवत वसीम बदामी को क्या देना चाहोगी मैं ना उनको ये एक सेकेंड के मैं उनको ये पेट शॉप बॉयज रिकॉर्डर कैसे देना चाहूँगी कि वो अपने ख्यालात इस टेप में रिकॉर्ड कर लें और फिर चलाएं और खुद ही सुनते रहें अच्छा टेप yourself and gift yourself this ठीक है और किसी मैं निदा यासिर क्या देना चाहोगी आधी अम्ब्रेला भी दे सकती हूँ हाँ मैं उन्हें अम्ब्रेला दे दूंगी ताकि वो अपने आप को बचा लें और बाकी सबकी खैर है अच्छी बात है आधी अम्ब्रेला सरवत अपना वो क्या देना चाहोगी इसमें से मैं अपने आप को घंटी देना चाहूँगी बजा मैं सबकी घंटी बजाने लगी हूँ आजकल इसलिए ओके मेहर बानो तुम अपना वो क्या देना चाहोगी इस टोकरी में से मैं अपने आप को छुरी देना चाहूंगी जो कि थोड़ी ब्लंट है क्योंकि अगर ब्लंट है भी तो मैं उसको तेज करके इस्तेमाल कर सकती हूँ ठीक है सरवत इसमें से फैसल कुरैशी को क्या देना चाहोगी फैसल कुरैशी को देखिए मैं फैसल कुरैशी को ये नाक देना चाहूंगी अच्छा क्योंकि वो बड़े हो ही नहीं रहे और वो जैसे हम बचपन से उनको देख रहे हैं वो ऐसे ही हैं तो वो क्यों झूठ बोलते हैं और वो क्या छुपा रहे हैं हमसे कि वो झूठ बोलते हैं तो उनकी नाक ऐसी बड़ी अच्छा ठीक है ओके महर जी क्या देना चाहोगी शाइस्ता लोधी को शाइस्ता लोधी को मैं ये चौक देना चाहूंगी ताकि वो हमारे भी मुंह पे वो ड्रॉ कर दें जो उन्होंने अपने ऊपर जादू किया हुआ है यू नो शी इज सो ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग एंड सो ग्लोइंग स्टिल ओके हमारे ऊपर भी थोड़ा सा वो कर दें ठीक है नूर ले आए हमारे पे ओके सरवत अब जो कुछ बच गया उसमें से मेहर को कुछ देना चाहोगी मैं मेहर को ये निंजा टर्टल का I ban देना चाहूँगी because for me she is also a superhero. Wow, sweet. So cool. Okay, बहर अब उसमें दो तीन चीजें बच गई हैं. क्या क्या है? अच्छा, तो इसमें से सरवत को क्या देना चाहोगी? मैं सरवत को ये बत्ती देना चाहूँगी. बत्ती? क्यों भाई? बल्ब. ताकि वो जिस तरह से आज तक लोगों का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त करती आई हैं वैसे ही लगी रहें और हम सारों के दिमाग के अंदर ये प्लांट कर दें ताकि हम भी उनकी तरह नूर फैलाएं वाह 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 क्या बात है वेरी नाइस और अब मैं चाहूँगा ये काला नमक मैं रख लूँ क्योंकि मैं इसको हर गेस्ट के ऊपर उनके नमक हर जख्मों पे जो आप नमक छिड़कते हैं ये उसके लिए जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। नाइस सरवत, वेरी नाइस। आइए जी आगे आइए, टाइम क्योंकि शो का अब हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, बट इट वाज रियली नाइस सीइंग यू बोथ एंड यू नो व्हाट, आई रियली फील दैट सरवत यू आर अ वंडरफुल एक्टर, यू आर अ ग्रेट टैलेंट। सो जाते जाते सरवत क्या कहना चाहोगी जो लोग देखते हैं, फॉलो कर रहे हैं और उनको कुछ भी, एनीथिंग? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी सारी माओं को कि प्लीज़ आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ट्रांसलेट होनी चाहिए आपकी बेटियों में, ताकि वो अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए स्टैंड अप कर सकें और स्ट्रॉन्ग हो सकें। और कातिल हसीना की ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखें, ताकि उसमें आपको जो स्ट्रेंथ नज़र आएगी, आई होप उससे भी आप कुछ अपने लिए डिराइव कर सकें। मेहर बानो, सोशल मीडिया पे गायब हो जाना या वापस आना या रहना या नहीं रहना, और सोशल मीडिया पे जो लोग देख रहे हैं, फॉलो करते हैं, वो क्या कहना चाहोगी? द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव इज दैट आप लोगों को सबको अपना सच जीना चाहिए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, एंड डोंट बी बॉक्ड डाउन बाय एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर, और डू व्हाटएवर इट टेक्स टू एक्सेल इन दिस लाइफ एंड द लाइफ हेयर आफ्टर। और प्लीज़ कातिल हसीनाएं देखना मत भूलिएगा। ट्यून इन टू Z5 एंड वॉच द शो। लवली, वेरी नाइस गाइस, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। आप लोग हमें शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जब कातिल हसीनाएं देख लें उसका भी फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी और ज़बरदस्त सेलिब्रिटी गेस्ट के सेट के साथ। जनाब देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान। गुड बाय।